कौन से स्मार्टफोन को खरीदें, वन प्लस नॉट 4 की रियलमी GT 60 या फिर थोड़ा सा पैसा और लगाकर वन प्लस 12R। चलो मैं आपके सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करता हूँ, वो भी एकदम डिटेल में। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले कैटेगरी से। सबसे पहले मैं आपको तीनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले स्पेक्स एकदम डिटेल में स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लो यार। टाइनामा का U8 प्लस डिस्प्ले यूज किया गया है वन प्लस नॉट 4 में, और रियलमी GT 60 में BOE का S1 डिस्प्ले टाइप यूज किया गया है, और OnePlus 12R में BOE का X1 डिस्प्ले टाइप यूज किया गया है। अब तक तो आप तीनों स्मार्टफोन्स के डिटेल डिस्प्ले स्पेक्स देख चुके होंगे। अगर डिस्प्ले वाइज तीनों स्मार्टफोन्स के रैंकिंग्स को हम लोग करें तो OnePlus 12R नंबर 1 पे आएगा, और उसी के साइड में Realme GT 60 रहेगा, क्योंकि BOE का S1 और X1 दोनों ऑलमोस्ट सेम डिस्प्ले टाइप के मॉडल्स हैं, और सेकंड नंबर पे OnePlus Nord 4 आ जाएगा। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइनामा का U8 प्लस डिस्प्ले टाइप अच्छा नहीं है, मैं बस ये समझाना चाहता हूँ BOE का S1 X1 पैनल बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। वहाँ पर आपको बेहतर कलर एक्यूरेसी, बेहतर कलर रिप्रोडक्शन, बेहतर ब्राइटनेस लेवल्स, बेहतर एक्सपीरियंस आपको वो देंगे। वो 60, 70, 80, 90 हज़ार, 1-1 लाख रुपए के फोन में देखने को मिलते हैं। और ये जो टाइनामा का U8 प्लस डिस्प्ले टाइप है, ये मिड रेंज स्मार्टफोन्स के लिए है, जैसे कि 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, लेकिन 30,000 रुपए के स्मार्टफोन के लेवल का नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर टाइनामा का U8 अगर डिस्प्ले टाइप होता तो वो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन जानबूझ के OnePlus ने U8 प्लस चूज किया। प्लस भाई बेहतर नहीं है, U8 ज़्यादा बेहतर है। देखो यार, डिस्प्ले कौन से ब्रांड की तरफ से आ रहा है, उस ब्रांड का ये कौन सा डिस्प्ले मॉडल है, इससे बहुत फर्क पड़ता है मेरे भाई। अगर इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगा, तो यार आप स्पेसिफिकेशन के ऊपर ही ध्यान देते रह जाओगे। अब देखो ना, स्पेसिफिकेशन तो ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन डिस्प्ले पे देते ही हैं, लेकिन भाई फर्क कब पड़ता है डिस्प्ले टाइप से, जैसे कि सैमसंग के डिस्प्ले हो गए, विजनॉक्स के हो गए, BOE के हो गए, टाइनामा के हो गए, फर्क पड़ता है बॉस, इसके ऊपर ध्यान दिया करो। इस वीडियो में हम लोग OnePlus Nord 4 को मेन प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो यार देखो OnePlus Nord 4 का डिस्प्ले अच्छा है, अच्छा कलर एक्यूरेसी आपको देगा, ब्राइट डिस्प्ले है, अच्छे स्पेक्स दे रहा है, डे टू डे लाइफ में आपको एकदम पता नहीं चलेगा, बहुत अच्छा डिस्प्ले है। चलो आप कैमरास के कैटेगरी पे आते हैं। Realme GT 60 में आपको डुअल कैमरास मिल जाएंगे, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। जो प्राइमरी कैमरा है सोनी IMX882 कैमरा सेंसर के साथ आता है, OIS मिल जाएगा, जो अल्ट्रा वाइड है सोनी IMX355 कैमरा सेंसर के साथ है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा सोनी IMX615 कैमरा सेंसर के साथ। जो मेन कैमरास है उनसे आप 4K में 60fps पे वीडियोस को रिकॉर्ड कर लोगे, 2x ऑप्टिकल जूम भी है सेल्फी कैमरा से 4K में 30fps पे। OnePlus Nord 4 के कैमरास की बात करें तो यहाँ डुअल कैमरास आपको मिल जाएंगे, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। जो प्राइमरी कैमरा है सोनी लाइटिया 600 कैमरा सेंसर के साथ है, OIS मिल जाएगा, जो अल्ट्रा वाइड है सोनी IMX355 कैमरा सेंसर के साथ है। 16 का सेल्फी मिल जाएगा सैमसंग के 3P9 कैमरा सेंसर के साथ। आप मेन कैमरा से 4K में 60fps पे वीडियोस को रिकॉर्ड कर लोगे, 2x ऑप्टिकल जूम कर लोगे, सेल्फी कैमरा से 1080p में 30fps पे। OnePlus 12R के कैमरा स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पर ट्रिपल कैमरास आपको मिल जाएंगे, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग। जो प्राइमरी कैमरा है सोनी IMX890 कैमरा सेंसर के साथ है, OIS मिल जाएगा, जो अल्ट्रा वाइड है सोनी IMX355 कैमरा सेंसर के साथ है, जो डेप्थ है वो ओमनी विजन के कैमरा सेंसर के साथ है। 16 का सेल्फी मिल जाएगा सैमसंग के 3P9 कैमरा सेंसर के साथ। आप मेन कैमरा से 4K में 60fps पे वीडियोस को रिकॉर्ड कर लोगे, 2x ऑप्टिकल जूम कर लोगे, 20x डिजिटल जूम कर लोगे, सेल्फी कैमरा से 1080p में 30fps पे। कैमरास के बेसिस पे अगर फोन्स की रैंकिंग्स करें तो OnePlus 12R के कैमरास सबसे बेहतर है, फिर Realme GT 60 के हैं क्योंकि वहां पर सेल्फी बेहतर मिल जाता है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे OnePlus Nord 4 के हैं। वैसे अगर आपको नहीं पता है तो सोनी IMX882 और सोनी लाइटिया 600 ये दोनों सेम कैमरा सेंसर है यार, बस नाम अलग अलग है। देखो यार, OnePlus चाहता तो OnePlus Nord 4 के कैमरास को और बेहतर बना सकता था, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी दे सकता था, लेकिन मैं OnePlus की मजबूरी समझ सकता हूँ। अगर वो OnePlus Nord 4 को और परफेक्ट बना देगा तो OnePlus 12R को कौन खरीदेगा। वैसे भी सेल्स में OnePlus 12R 34,000-35,000 रुपीज के आसपास मिल जाता है, और यार अक्टूबर तक दिवाली सेल तक तो 30,000 रुपए का मिलने लग जाएगा। परफॉर्मेंस कैटेगरी की बात करें तो OnePlus Nord 4 और Realme GT 60 इन दोनों स्मार्टफोन्स में Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 प्रोसेसर है, जिसको आप 8S Gen 3 भी कह सकते हो, खैर वो अंदर की बात है। वैसे 7 Plus Gen 3 TSMC के 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, Adreno 732 का GPU मिल जाएगा। OnePlus 12R में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 मिल जाता है, जो TSMC के 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, Adreno 740 का GPU मिल जाएगा। डेफिनेटली OnePlus 12R आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा OnePlus Nord 4 और Realme GT 60 से। उसमें आप ज़्यादा बेहतर गेमिंग कर पाओगे, ज़्यादा बड़े टास्क इजिली वो हैंडल कर लेगा, एंड यार वो प्रीमियम
ट्रायम फ्लैगशिप प्रोसेसर है 8 Gen 2। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो देखो यार, तीनों स्मार्टफोन्स एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम मेन स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर विनर अगर निकालने की कोशिश करें, रैंकिंग्स करें, तो OnePlus 12R आपको पहले नंबर पे दिखाई देगा और उसी के बगल में ही OnePlus Nord 4 ही रहेगा और तीसरे नंबर पे Realme GT60 रहेगा। देखो यार, OnePlus के फोन्स में, खास के Nord 4 और 12R में, आपको लंबे अपडेट्स मिल जाते हैं और OnePlus Nord 4 में तो 6 साल के अपडेट्स मिलते हैं। ऊपर से अलर्ट स्लाइडर भी देखने को मिल जाता है ज्यादा बेहतर VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ। वैसे अगर आपको नहीं पता है तो OnePlus Nord 4 के बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता है। अटेंशन मत लो, डरो मत मेरे भाई, वो यूरोपियन कंट्रीज में जो OnePlus Nord 4 लॉन्च हुआ है ना, क्योंकि ग्लोबल लॉन्च था ना, तो यार OnePlus ने चार्जर निकाल दिया वहां से, लेकिन हमारे इंडिया में जब OnePlus Nord 4 वो लॉन्च कर रहा है OnePlus, तो चार्जर बॉक्स में दे रहा है। देख रहे हो OnePlus कितना ख्याल रख रहा है हम लोगों का। चलो अब बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तीनों स्मार्टफोन्स के डायनामिक्स आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देख लो मेरे भाई। देखो यार, डिजाइन एक सब्जेक्टिव मुद्दा है, तो कमेंट करके बताना कि आपको कौन से फोन का डिजाइन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे OnePlus 12R का बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्ड वाइज अगर बात करें तो Realme GT60 प्लास्टिक बैक प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है, IP65 का रेटिंग दे देता है और Corning Gorilla Glass Victus 2 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है। OnePlus 12R और OnePlus Nord 4 की बात करें तो एल्यूमिनियम फ्रेम आपको दे देते हैं, ग्लास बैक के साथ आते हैं, लेकिन OnePlus Nord 4 में आधा हिस्सा मेटल बैक के साथ आता है और IP65 का रेटिंग OnePlus Nord 4 दे देता है, IP64 का रेटिंग OnePlus 12R दे देता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तीनों स्मार्टफोन्स में से सबसे ज़्यादा कौन हमें अच्छा वैल्यू दे रहा है। सभी एक्सपेक्ट्स को अगर ध्यान में रख के कहूँ तो OnePlus Nord 4 तीनों स्मार्टफोन्स में सबसे ज़्यादा अच्छा वैल्यू दे रहा है। अब बात करते हैं कौन सा स्मार्टफोन किस बंदे को खरीदना चाहिए। देखो यार, अगर आप GT60 को खरीदने का मूड बना रहे थे, OnePlus Nord 4 एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, उसके तरफ जाओ, GT60 को स्किप मारो। और वो बंदे जो Realme GT60 को खरीदने का तमन्ना बनाए थे, भाई GT60 की जगह पे OnePlus 12R खरीदने की कोशिश करो। देखो यार, अगर मैं आपकी जगह होता तो अभी कोई भी फोन नहीं खरीदता, क्योंकि 2 महीने के बाद जब फेस्टिवल सीजन शुरू होगा, Amazon Flipkart के सेल शुरू होंगे, तब यार इन तीनों फोन्स के सारे रैम वेरियंट्स के प्राइसेस पे असर पड़ेंगे एंड बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ऑप्शंस भी आएंगे जिनको आप देखकर बोलोगे भाई ये तो बहुत अच्छा फोन है। तो यार रुक जाओ, मैं भी रुका हुआ हूँ, अभी कोई भी फोन खरीदने की जरूरत नहीं है। फिर यही OnePlus Nord 5 25,000 रुपए के आसपास मिलेगा, OnePlus 12R 30,000 रुपए, उनके RAM वेरिएंट के ऊपर भी प्राइसेस कम होंगे, तब लेना ना यार। देखो यार, मेरा हमेशा यही कोशिश रहता है कि आप बेहतर प्रोडक्ट यूज करो, आपको बेहतर प्रोडक्ट मिले अच्छे प्राइस पे, आप भी ज्यादा RAM वेरिएंट अच्छे वाले लो, आप भी UFS 4.0 और ज्यादा स्टोरेज का मजा उठाओ। अगर मैं आपका कुछ भी मदद कर पाया तो यार इस वीडियो को लाइक करके जरूर से जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करना यार, अच्छे से बातचीत करेंगे। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। Yeah.